आन टीवी के दिलचस्प मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तुम लोग अभी के अभी हमें 10 लाख दो, पर अपनी बेटी को रख लो। अरे अरे, ये क्या बात हुई? मैं तो उसे 1 रुपया नहीं दूंगी। वैसे अब पता चला कि तू इस गंदी नियत से आई है यहाँ। क्या हुआ परवाज? क्या हुआ है? सब खैरियत हो? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? बातें से मेरा हाथ पकड़ा है। क्या इतना घटिया इंसान है? उसने ऐसी हरकत कैसे कर दी? इतने खूबसूरत घर का ख्वाब देखा था, फिर मुझे नहीं पता था कि शहजादे के बजाय एक देव के कब्जे में आ जाऊंगी। इतने इतने गरीब घरों की लड़कियां इतने सुख पा लेती हैं, और मेरा मुकद्दर। Hi, Dad. Hi. ऑफिस नहीं गए आज? क्या तुम्हारे चचा की कॉल आई थी? तबीयत ठीक नहीं है उसकी, तो सांस का मसला कुछ ज्यादा बढ़ गया है, तो सोच रहा हूँ आज किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा दूँ। यार डॉक्टर हारून को दिखा देना, स्पेशलिस्ट भी हैं और आपके फ्रेंड भी हैं, अच्छे से डील कर लेंगे। अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो तुम भी चलो हमारे साथ। डैड एक छोटा सा काम है, आप एक काम करें ना, आप चचा जान की तरफ जाएं, मैं आके ज्वाइन करता हूँ आपको। ठीक है यार, तुमने अभी को कॉफी का कहा था, इतनी देर हो गई कुछ पता ही नहीं है। मैं देख लूं। इसको अच्छे से मिक्स करोगी तो कॉफी मजे की बनेगी। अच्छा जाओ जल्दी से बना के लाओ और चूल्हे पे गर्म पानी भी रख दो। शाबाश। ठीक है बेबी। मामा कॉफी खुद बनानी थी ना? मैं अपने हाथों पे लोशन लगा रही हूँ, मैं नहीं बना रही। उसको बता तो रही हूँ, सिखाऊंगी तो आएगी ना। अरे मामा बाद में सिखा दीजिएगा ना उसे, अभी जल्दी है, डैड को निकलना है। आज वो ऑफिस तो नहीं जा रहे, तो जल्दी किस बात की है? ऑफिस नहीं जाना, चाचा के घर जाना है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उफ़, ये चाचा की फैमिली तो हमें लेकर बैठ गई है। खुश रहा करें, अगर खुश नहीं रहेंगी ना तो चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी और फिर ये आपके मॉइस्चराइजर्स और क्रीम काम नहीं आएंगे। हारिस, क्या मैं ये समझूं कि चाचा के घर बार बार जाने का ये नतीजा है जो तुम तुर्की पर तुर्की मुझे जवाब दे रहे हो? फिर से चाचा जान की फैमिली, आखिर आप उनकी फैमिली से इतनी मुतनफ्फर क्यों हैं? इसलिए कि तुम्हारे चाचा की बेटियों को ना पटर पटर बोलने की आदत है। फॉर गॉड्स सेक मामा, बस जल्दी भिजवाएं, वो डैड फिर गुस्सा करेंगे, पता तो है आपको, जल्दी करें। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है भैया। ऐसे नहीं कहते साजिद, तुम सबसे ज्यादा एनर्जेटिक थे, जिंदगी बसती थी तुम में। जिंदगी कतरा कतरा करके निचोड़ रही है मुझे। मैं अपनी तमाम जिम्मेदारियों से सुबकदोश होना चाहता हूं ताकि मेरी बेटियां ना रुलें। मैं अपनी बच्चियों के लिए कुछ कर नहीं सका। तुम्हारी बच्चियां मेरी भी तो बेटियां हैं, तुम उनकी फिक्र ना करो, अपना ख्याल रखो। देखो माँ बाप चारपाई पर भी होना तो बच्चों को हौसला रहता है। मैं आप पे बोझ बन रहा हूँ भैया, ये मेरी बेबसी की इंतहा है। यार अपने चचा जान को समझाओ, किस तरह की बातें कर, मैं नाराज हो जाऊंगा इससे। चचा जान क्या कर रहे हैं आप? मेरे चाचा होकर आप इस तरह से बिहेव करेंगे? चलो अच्छी सी चाय पिलवाओ। अभी कॉफी भी आप ये लीजिए ताबू, गरम गरम चाय।
हाँ, कॉफी तो पीकर आया था लेकिन अपनी बेटी की चाय को मिस कर रहा था। ताया अबू, आपके लिए मैंने रोल भी बनाया, खाकर बताएं कि कैसे है। सिर्फ ताया अबू के लिए ही है, मेरे लिए भी है, मैं खाऊं? क्यों नहीं खा सकते भाई, आपके आने की खुशी में ही तो बनाया। बहुत मजे के हैं, तुमने नहीं बनाया ना, बाजार से मंगवाया ना? मैंने ही बनाया है। ताया अबू आप भी लेना। अरे तंग मत करो मेरी बेटी को, बहुत प्यारी बेटी है ये। लेकिन रोल नहीं बनाना आता इसे। अच्छा आता है, आता है। ओके ओके ओके। ना ही तो भाई से मैं कोई नेक वसूल कर सकी, ना कोई मेहंदी की रस्म हुई, ना कुछ। एक ही एक मेरा भाई है, मेरी तो सारी ख्वाहिशें मेरे दिल में ही रह गई। हाँ तब कर लो ना ख्वाहिशें पूरी, घर भर में सदमा कभी खत्म नहीं होना। मैं जरा करती हूँ तुमसे बात। हाँ मैडम, तुम कुछ कह रही हो, बुड़बुड़ा रही हो मुंह में, अगर हिम्मत है तो मेरे मुंह पे बोलो। मुझे तुम्हारे मुंह लगने का ना कोई शौक नहीं है, पर सिर्फ नाम की ही तिलावत हो तुम। सुबह सुबह कुरान पाक की तिलावत करने के बजाय कव्वाली करने आ गई हो। ये तुम्हारे अब्बू जी का घर नहीं है, हमारा घर है, हम पे रोब झाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तिलावत? मेरे लिए नाश्ता तैयार किया तुमने? तुम्हें पता है ना शुगर की वजह से मुझे कितनी भूख लगती है। अम्मा आप अपनी बहू को देख रही है, मुझसे किस कदर बदतमीजी कर रही है, मेरा मजाक उड़ा रही है। तुम अगर इस घर में रहना चाहती हो ना तो अपनी जबान को तालू से चिपका के रखना, वरना चुटिया पकड़ के घर से बाहर कर दूंगी। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, इस घर में मेरी मर्जी चलेगी। आपका बेटा मुझे इस घर में ब्याह कर लेकर आया है, आपने खरीदा नहीं है मुझे, तो आप दोनों की जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। क्या हम लोग तुम पे जुल्म कर रहे हैं? हाँ तो ये जुल्म ही होता है, बात बात पे ताने देना, बातें कसना। तो बीबी फिर तुमने जुल्म देखा नहीं है, आज सारा दिन तुम्हारा खाना पीना बंद है। जाओ अपने कमरे में जाओ, जाओ। सारा दिन इस हड़हराम को ही खिलाती रहना, तुम खुद होगी हड़हराम। मुझे हड़हराम बोल रही है अम्मी, देखा है आपने, पता नहीं कैसी लड़की आ गई हमारे घर। आने दो फरहान को, उसकी दिमाग की मरम्मत सही से कराती हूँ। वैसे आपस की बात है, सही कह के गई हूँ। अम्मा चार दिन उसको यहाँ गुजरने दो, पर तुम्हें भी पहचान जाएगी, सही है? चलो क्यों बैठ रही हो, जाके नाश्ता बनाओ मेरे लिए, ये भी ले जाओ, ये अडराम ले जा। अम्मा तुम मुझे चिढ़ा क्यों रही हो बात बात पे? आखिर दुकान संभाल, आ रहा हूं मैं। Thank you.
बासित। सलाम जीने जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत उधार चढ़ गया। तू अंदर जा। तो तू ये बता कि तुझे घर तक आने की क्या जरूरत थी? वो इतने दिन से तेरा दुकान पे चक्कर नहीं लगा, चेहरा नहीं देखा, खुद तो रोका ही नहीं गया। चल चल काम की बात बता। हाँ काम की बात तो तेरे से पूरी नहीं होनी। खैर बहुत उधार चढ़ गया, पैसे चाहिए थे। अच्छा वो शाम को स्मारा आ जाएगी ना तो तेरी दुकान पर दे आऊंगी। हाय ये आंखें शाम तक तेरे दीदार के लिए तरसेंगी। अब तो कुछ फैसला करना ही पड़ेगा। क्या? जब तुम शाम को दुकान पर आओगी तब सब बता दूंगा। चलता हूं मैं। चल ठीक। भूख से बुरा हशर हो रहा है, इस औरत ने तो मुझे खाने को देना ही नहीं है। किचन में जाती हूँ, दोनों फसड़ के सो गई होंगी। काम ही यही है उनका। जब भी कोई साजिश करती है ना पक्की करती है। क्या करूं बहुत भूख लग रही है। थोड़ा भी तो आता है। अम्मा ये लें। चलो अच्छा बासित का जाकर ना उधार उतार दूंगी। अंबर थी ना बड़ा खर्चा करवाती थी मुझसे, अब लगता है थोड़े बच जाया करेंगे। ऐसे अम्मा आप बासित की दुकान से इतना उधार क्यों लेती हैं? ये भला आदमी है, बवक्ते जरूरत काम आ जाता है। यहाँ तो लोग 100 का उधार देते हुए सोचते हैं और वो हमें इतना इतना उधार दे देता है। और तो और वो तो ये भी कह रहा था कि अगर पैसों की जरूरत है तो वो भी ले जाए मुझसे। अम्मा प्लीज उससे पैसे मत लीजिएगा, आपको और जरूरत है तो ये रख लीजिए। हाँ हाँ ठीक है ला। आप ही? लेकिन ये तो हमने अर्शी के गिफ्ट के लिए रखे थे ना। अरे उसे क्या जरूरत, आमना उसे बहुत कुछ दिला देती है। अम्मा आपने तो उसके पास होने पर भी उसे कुछ नहीं दिया था। तुम लोगों का पूरा कर रही हो ना, बस यही मेरे लिए बड़ी बात है। वैसे आपने अंबर के ससुराल में फोन किया था या उनका फोन आया था? नहीं नहीं उधर से तो कोई फोन नहीं आया। माँ आप खुद ही पता कर लेती फोन करके। ना मैं क्यों कर लेती, भाड़ में जाए मेरी तरफ से। जो जिंदगी उसे चाहिए थी वो उसे मिल गई, अब अमीरों के घर में बैठकर ऐश करे। जो भी है अम्मा आपको पता करना चाहिए था, आपकी बेटी है वो उसे ऐसे फेंक तो नहीं सकते ना। मैं तो बिल्कुल पता नहीं करूंगी, मेरी तरफ से जिए या मरे। अरे मैं माँ हूँ उसकी, उसे चाहत होती तो वो फोन नहीं कर सकती थी। उसकी आंखों पर ना दौलत की पट्टी चढ़ गई है, अब हम उसे दिखाई नहीं देने वाले। तो इतनी सबकी सगी। सुन ये ले पैसे, बाकी बाद में दे दूंगी। रहने दे, बहुत सोचा कि तेरे से पैसे ले लूं, जरूरत भी है, दिल नहीं माना।
यकीन कर मैं भी ना यही सोच रही थी कि बासी ऐसा है तो नहीं, अल्लाह जाने क्या मजबूरी आन पड़ी। वैसा ना कि अरसे से दुकान पर नहीं आई। थोड़ी शर्म कर लो, उम्र में बड़ी हूँ तुझसे। मोहब्बत उम्र नहीं देखती, मोहब्बत बस मोहब्बत है, हो जाती है, मुझे भी हो गई। जवान बच्चियों की माँ हूँ मैं, और ये तेरी बातें यहाँ किसी ने सुन ली ना तो मोहल्ले में तमाशा खड़ा हो जाएगा। जब ये मोहल्ले वाले तेरे पे उंगली उठाते हैं ना तो मेरा दिल करता है इनकी उंगली काट दूं। नहीं समझते हो, पर मैं समझता हूँ कि तू कितनी मजबूर है। माजूर खावन, जवान लड़कियां, तो हमदर्दी की बोल नहीं क्यों बोलता, कौन देगा तेरा साथ ना? वासित, तेरी एक एक बात सच है। मैं सब कुछ करके भी सबके लिए बुरे ही रह गए। वो माजूर शौहर, वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। हालांकि समझ सकता है कि उसके करने वाले काम भी मैं खुद करती हूँ, और ऊपर से ये मोहल्ले वाले एक मिनट नहीं लगाते मुझ पे और मेरी बेटियों पे इल्जाम लगाने में। तूने इतने साल अपने बारे में सोचा क्यों नहीं? औलाद बड़ी चीज होती है बासी, बस बच्चियों के ख्याल ने कभी अपने बारे में सोचने ही नहीं दिया। थोड़ा इधर देख। क्या हो गया? थोड़ा इधर देख। अरे तेरी छोटी बड़ी लड़की बिल्कुल तेरी कॉपी है। अरे मेरी फरवा, बात सबके जाए बड़ी मासूम है वो। बहुत तीखी है, उस दिन दुकान पर आई, मैंने बोला गुड़िया चाचा समझ के अपनी दुकान से जो मर्जी ले जा, फिर बुरा मान गई। बड़ी खुददार है वो, सारा दिन भूखी रह लेगी लेकिन किसी से कुछ लेकर नहीं खाएगी। बस अब तू अपना कुछ सोच, हीरे को मट्टी में नहीं रुलना चाहिए। ना तू ये बता कि तेरे क्या इरादे हैं तेरे साथ शादी के? क्या हो गया, पागल वागल तो नहीं हो गए? कैसी बातें कर रहे हो? अरे देख ना, तू अभी भी जवान लगती है। हाँ क्या तेरे दिल में कोई अरमान नहीं है? मलका बना के रखूंगा कसम से। नहीं बासी, मुझे अभी अपनी बच्चियों की शादी करनी है। अरे तो कर लेना ना, मैं इंतजार कर लूंगा। वैसे एक बात तुझे कहनी थी। क्या? बाहर ना निकला कर, अपनी छोटी वाली बेटी को भेज दिया कर, समझ अच्छा नहीं लगता। अरे वो बदबख्त मेरी कोई बात सुनती ही नहीं, और कहती कि बासित की दुकान उस पे तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊं। बस सिर्फ तेरी खातिर उसको अपनी बच्ची समझता हूं, उसका ख्याल रखता हूं कि उसे कोई छेड़े ना। उस दिन वो लड़का पीछे पीछे आ गया था, ऐसी धुलाई की थी ना मैंने, आईंदा दोबारा इस गली में कदम नहीं रखेगा। अरे कौन था वो बदबख्त मारा? लेकिन फरवा ने तो मुझे बताया ही नहीं। अरे मैं किस लिए बैठा हूँ, क्यों परेशान होती हैं? तेरा बड़ा ही शुक्रिया वासित, यकीन कर ये मोहल्ला छोड़ने का दिल में ख्याल आए बिना तो यही सोच कर रुक जाती कि कम से कम यहाँ थोड़ी बहुत जान पहचान तो है, वरना यहाँ की औरतों की ज़बानें, तौबा तौबा अल्लाह माफी। जलती हैं तेरे से, इतनी हसीन है तू। अच्छा चल छोड़ इन बातों को, बोतल पिला दे, गला खुश्क हो गया मेरा। कौन सी पिएगी? कोई भी ठंडी लेकर आ जाओ, चावल भी कर देना 1 किलो। तभी लेकर आया। दाल भी पकड़ लेना, खत्म है घर में। वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल। तो यानी कि डॉक्टर साहिबा अच्छी आर्टिस्ट भी हैं। आप कब आए? बस
अभी अभी आपके लोन को रौनक बख्शी है मैंने। शुक्र है आपने ये नहीं कहा कि यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा पप्पो से मिल लूं और बोनस में अर्शी से भी। वैसे नकल बहुत अच्छी उतारने लगी है आप मेरी। आपके इतला के लिए अर्ज है कि अब मैं मेडिकल नहीं कर रही हूँ, फिजिक्स में ऑनर्स कर रही हूँ। That's good. यानी कि आप डॉक्टर नहीं बल्कि खला में कदम रखने वाली। पप्पो को नहीं बताया आपने? वेश जी मामा सो रही हैं, मैं उनको उठा देती हूँ। नहीं इट्स ओके, उनको सोने दीजिए, मैं फिर मिल लूंगा उनसे। इसका मतलब कि आप अगली बार भी आएंगे और अगर मामा सो रही होंगी तो आप वापस मुड़ जाएंगे? That's a good point. नहीं ऐसा नहीं होगा, चले आप अभी बुला लें, I'll wait for. कितना ही अरसा बीत गया, ना कभी दुख के ना कभी सुख के, एक ही घर और दो अजनबी, हर वक्त कड़वे लहजे से बात करनी, बच्चियों के सामने भी मेरी इज्जत दो कौड़ी की करके रखती, फिर मैं क्यों सोचूं उसके बारे में? आखिर मैं भी इंसान हूं, मेरे भी अरमान हैं। मैंने तो अपने बारे में सोचना ही छोड़ दिया, औरत चाहे जितनी भी बूढ़ी हो जाए तब भी मर्द की नरमी मोहब्बत की चाहत जरूर रखती, मैं सारी जिंदगी पैसे को तरसी, अब दो बोल प्यार के सुनने को भी तरसती रही। नहीं साजी दादी नहीं, अब नहीं, मेरी बच्चियां ब्याही जाए तो मैं तुझे छोड़कर चली जाऊंगी, धन धनाते फिर ना अकेले फिर। इस मासूम की किस्मत पर पता नहीं क्या लिखा, डांट खाकर भी मेरे पास ही भागी आती। सुनो जरा एक काम करो, कोरमा और बिरयानी भी बना लो। किस लिए भाई? क्या मतलब किस लिए, तुम इतनी जबान कैसे चला लेती हो? अम्मी ने इतनी दफा तुम्हारी दुर्गत बनाई है लेकिन उसके बावजूद तुम पे कोई असर ही नहीं होता। किस मिट्टी की बनी हो तुम? जिस मिट्टी की भी तुम बनी हो। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि इस वक्त मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, समझ आ रही है? और ना अम्मा को जाके तुम्हारी शिकायतें लगा दूं ना दोबारा से तो तुमको पूरे दिन के लिए सजा के तौर पे कमरे में बंद कर देंगी। और फिर खाना मुझे बनाना पड़ेगा, वो मैं चाहती नहीं हूँ, इसलिए चुप करके तमीज से खाना बनाओ, समझ रही हो? सारा दिन करती क्या, पढ़ी रहती है, खाती रहती है, पढ़ाई ना लिखाई। अंबर देखो मेहमानों के सामने जरा ढंग से आना, उनका बेटा जो है ना अल्लाह लोग है, उसकी कदर करो, शायद उसकी दुआ लग जाए और तुम्हें औलाद हो जाए। और हाँ
या से खीर भी बना लेना ताकि मैं दम करवा दूं। इतना सब कुछ मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? नहीं तो तुम्हारे लिए 10 लोगों का इंतजाम करूं मैं? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, खाने की टेबल भी तुमने लगानी है। मुंह में निवाला भी मैं ही डालूंगी। मेहमानों को जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हारा ऐसा हशर करूंगी कि तुम याद रखो। और सईद बेटा क्या हो रहा है आजकल? मामू जान अभी एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया है अपना, एक परचून की दुकान है, आप आइएगा चक्कर लगाइएगा। बहुत अच्छा। हाँ हाँ बेटा बिल्कुल आऊंगा मैं, बिल्कुल। भाई साहब मेरा बेटा बहुत मेहनत कर रहा है, सुबह जाता है शाम वापस आता है घर वापस। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहू चुप चुप सी हो। आके आओ बैठ जाओ, खाना खा लो हमारे साथ। सलाद लीजिए ना, बच्ची थक गई होगी ना बहुत। खाक थकी है, आधे से ज्यादा काम तो मेरी तलावत ने इसके साथ किया था। अस्मारा कहती थी अंबर तुम बड़े आराम से झूठ बोल लेती हो, मगर ये तो मुझसे भी बढ़कर है। अंबर प्लीज यहाँ के बैठ। अरे 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 अरे, मेहमानों का तो लिहाज कर लो, सारी बोटियां तुम खा लोगी तो ये क्या खाएंगे? कल से खाना नसीब नहीं हुआ, अब जब नसीब हो रहा तब भी ना खाऊं। क्या कह रही हो तुम? वाह वाह, बस अब यही दिन रह गए थे मेरे नसीब में देखने के लिए। कितना कीना रखती है ये, अब सारा इल्जाम ये मुझ पे ही डाल देगी। भाभी एक तो तुम्हारी झूठ बोलने की आदत ना कभी खत्म नहीं होगी। मैं कल रात तुम्हारे पास आई हूँ, मैंने तुमसे खुद पूछा है कि आ जाओ खाना खा लो, तुमने कहा दाल नहीं खानी, अब इसमें हमारा क्या कसूर? दाल में भी क्या बुराई है, क्या तुम्हें हर वक्त खाने में चिकन चाहिए? अरे चुप कर जाओ, सब चुप कर जाओ। मेरे बेटे सईद के अंदर ना मीरन साईं की रूह आई हुई है। बुरे कामों से दूर रहो। अरे लड़की तुझे नजर नहीं आ रहा इतनी अजीम हस्ती की रूह आई हुई है मेरे बेटे के अंदर? फिलहाल तो मुझे बहुत भूख लग रही है और मुझे नहीं पता कि खाना कब मिलेगा। आप फिलहाल अजीम हस्ती से मुलाकात करें। अंबर बेटा मेरे लिए दही ले गया हो? जी अबू जी। जान फरवा बताओ ना क्या हुआ है? मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है,
ख्वाब तो ख्वाब ही होते हैं ना, और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है शाम के वक्त मत सोया करो। नहीं लेकिन ऐसा ख्वाब आए क्यों? अच्छा ठीक है, अब तुम इसे अपने दिमाग से निकालो और ये बताओ तुमने दोपहर में क्या खाया था? दोपहर में मैंने बर्गर खाया था। गुड। अब वैसे अम्मा का कुछ पता है? अम्मा फिर से बाहर गई हुई है। आप ही अब्बा ने कुछ नहीं खाया लेकिन मैंने उन्हें खाना खिला दिया था। आप कितनी अच्छी है ना, सबका ख्याल रखती हैं, थक जाती होंगी। जिंदगी की जंग से बहादुरी के साथ लड़ना चाहिए और जो घुटने टेक देते हैं उन्हें जिंदगी अपना कैदी बना लेती है। इतनी गहरी बात की समझ नहीं आई होगी तुम्हें। चलो जल्दी से मेरी हेल्प करवाओ। ठीक है ये लो वो काट दो, ये मैं काट लूंगी। कहाँ से आ रही हो? तू कौन होता है पूछने वाला? ना इतने अरसे में तो तुझे ख्याल आया नहीं कि मैं कहाँ आती हूँ और कहाँ को जाती हूँ। टांगों से माजूर हुआ हूँ, आंखों से अंधा नहीं हूँ। पहले तेरे तौर तरीके भी तो ऐसे नहीं थे और ना ही मुझे मोहल्ले से शिकायतें आती थी। क्या क्या कहा? किसकी इतनी मजाल जो मेरे बारे में कोई बात करे? वैसे ना इन मोहल्ले वालों को मेरे और मेरी बेटियों के बारे में बात करने के अलावा ना कोई दूसरा काम है ही नहीं। फिर शुरू हो गए। पहले तो इस तरह सच संवर के बाहर भी तो नहीं निकलती थी। सजना सवरना हक है मेरा और तू ना टांगों से माजूर हुआ है, मरकर कब्र में नहीं गया कि बेवा बनकर अपने ऊपर हर चीज हराम कर लो। तू ये बता कि तू कब से इतना गौर करने लगा कि मैं कब तैयार होती हूँ और कब नहीं? वैसे अम्मा भी ना अब्बा को जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। और आप ही आपने एक और बात नोट की कि अम्मा ने अंबर आपा के कपड़े पहने हैं। हाँ दोनों की फिटिंग में ज्यादा फर्क नहीं है। वैसे आज तो ये हमारी अम्मा कहीं से लग ही नहीं रही, कितनी बदली बदली लग रही हैं। वाकई अम्मा बहुत बदल गई है। अब्बा मामा, मामा दो कॉन्सर्ट्स हैं, एक एले में है एक टोरंटो में है। अमेरिका कनाडा दोनों साथ साथ हैं। अमेरिका से कनाडा जाऊंगा, कनाडा से घर आ जाऊंगा, सिंपल। पास पास तो तुम यूं बोल रहे हो जैसे अमेरिका और कनाडा हमारे घर की पिछली गली में है। यूं ही समझ लें, ऐसा ही है बिल्कुल। तुम कहीं नहीं जा रहे, मेरा दिल नहीं मान रहा। मैं तुम्हारे बाप से बात करती हूँ। मम्मा मेरी बात सुने, चंद दिनों की बात है, क्यों इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर रही हूँ? माँ बेटे में क्या मुज़ाकरात चल रहे हैं? शुक्र है कि आप आ गए, मैं आप ही के पास बात करने के लिए आ रही थी। क्यों फिर कुछ कर दिया इसने? आपने इसको बाहर जाने की इजाजत क्यों दी है? भाई उसके करियर का सवाल है। मम्मा को इतना लंबा अरसा थोड़ी है, सिर्फ दो हफ्तों की बात है। मैं तुम्हें दो दिन के लिए भी ना जाने दूं, बस तुमने नहीं जाना। शकीला इज नॉट अ मम्मी पापा टाइप डिपेंडेंट चाइल्ड, बड़ा हो गया है वो, उसे अपना करियर बनाने दो। पाकिस्तान में रहे जहां मर्जी जाए और अपने पूरे शौक करे, मेरे कौन से 10 बच्चे हैं, मेरा एक ही तो इकलौता बेटा है। प्लीज ना मामा, तुम यहीं पे रह के अपने सारे शौक पूरे करो। अरे उसने टिकट्स बुक करा लिए हैं। कैंसिल करा दे। और वजह क्या बताऊं उन्हें? कि आप अपने करोड़ों रुपए के शोज कैंसिल कर दें क्योंकि मेरी मामा का दिल नहीं मान रहा। मामा सारा दिन तो आप वैसे भी एनजीओ में होती है, हमारी मुलाकात कहां होती है, हम कहां साथ में टाइम स्पेंड करते हैं? लेकिन मैं रात को तो बेटा घर आती हूँ ना। हाँ तो रात में आकर तुमसे लैपटॉप पे बात कर लेगा वो। I promise, रोज रात को कॉल करूंगा, पक्का प्रॉमिस। खामोशी देख के लग रहा है कि काफी हद तक मान चुकी हैं। ओके ना? ओके? नहीं ठीक है, आप दोनों ने मुझे फंसा दिया। थैंक यू।
हाँ भाई, तुम दोनों तैयार हो? यस बाबा। गुड। एसन, मैं सोच रही थी अगर हम अंशी को भी अपने साथ ले जाएं तो अच्छा होगा, वो अकेले घर में क्या करेगी? अकेली क्यों, मुलाजिम है ना घर में। मुलाजिमों में और हमें फर्क है ना। मैंने तुम लोगों को कहीं नहीं लेके जाना। क्या औरत हो तुम, हर वक्त तुम्हारी जुबान पे अर्शी 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 का विर्द रहता है। क्या हो गया ऐसा ना आपको? तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे बच्चों की और तुम्हारे शोहर की कोई अहमियत नहीं है। मैंने ऐसा कब कहा है? यार हमने कहीं नहीं जाना। कहीं जाने का नाम लो तुम अर्शी को बीच में ले आते, हमारी पर्सनल लाइफ तो जैसे बिल्कुल खत्म ही हो गई। कहीं नहीं जा रहे हम। मुझे जाना है पापा। ठंड पड़ गई होगी तुम्हारी माँ के दिल में, सारा मूड ऑफ कर दिया। अर्शी अर्शी अजाब बन गई है लड़की। ये तो वो हड्डी है जो ना उगली जा रही है ना निकली जा रही है। अभी बाबा इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे? आपकी वजह से। मेरी वजह से क्यों? मैंने क्या किया? ना, पापा ने बाहर जाने का कहा था लेकिन मामा ने बोला आपको भी साथ लेके चलते तो बाबा को गुस्सा आ गया। हाँ तो तुम लोग चले जाओ, मुझे तो वैसे भी नहीं जाना। आप पापा को खुद ही बता दें, मेरे कहने से कौन सा तुम लोगों को लेकर चले जाएंगे। आई एम सॉरी।